हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लाया हूँ जिस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अपने सोशल मीडिया के पोस्ट बना सकते हो, बर्थडे विशेष वगैरह के डिज़ाइन बना सकते हो, या जो भी नए नए फेस्टिवल आते हैं उनकी शुभकामनाएँ बना के आप अपने दोस्त मित्रों को शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा फेमस एप्लीकेशन है, इसीलिए मैं एप्लीकेशन के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। बहुत ही इजी तरीके से आप अपने डिज़ाइन बना सकते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो। आपको इसके लिए कोई प्रोफेशनल नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं, बहुत आसान तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके अच्छे डिज़ाइन बना सकते हो। तो दोस्तों, आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाला बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं जब भी कोई नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा या कोई नया अनबॉक्सिंग करूंगा तो उसके वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं वो कौन सा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले चलना है अपने प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर हमें सर्च करना है पिक्सल लैब। ये देखिए दोस्तों, यही वो एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को 100 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड और इंस्टॉल किया है और इसका रिव्यू है 4.3, 465K इतने लोगों ने इसका रिव्यू दिया है। दोस्तों, YouTube पे जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनमें से ज़्यादातर लोग थंबनेल बनाने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हमें सिंपल सा इस इंस्टॉल पे टच कर देना है। दोस्तों, अपना एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, चलिए इसे ओपन कर देते हैं। द अलाउ पिक्सल लैब टू एक्सेस फोटोज मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस, चलिए इसे अलाउ कर देते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इसे अलाउ कर देंगे आप इस एप्लीकेशन में एंटर कर चुके हो और आप अभी से डिज़ाइन करना चालू कर सकते हो। दोस्तों, पहले इसका कुछ इंटरफेस और इसके कुछ कमांड समझ लेते हैं। अगर आपको इस एप्लीकेशन के अंदर कोई भी फोटो वगैरह इंसर्ट करना है तो इस ऊपर जो लेफ़्ट साइड टॉप में जो प्लस बटन दिया है उसे टच करना होगा। यहाँ से आप टेक्स्ट, डेट, स्टिकर्स, शेप्स, गैलरी से इमेजेस या कुछ ड्राइंग वगैरह इसमें इंसर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट में टच करोगे तो यहाँ पर न्यू टेक्स्ट आएगा, इसको टच करके आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हो। ओके, ये देखिए दोस्तों, चलिए इसे कट कर देते हैं। प्लस करंट डेट, इसे टच करते ही आज का डेट यहां पे अपने आप आ जाएगा, इसे कट कर देते हैं। स्टिकर्स, स्टिकर्स में जाने के बाद दोस्तों आपको ये सारे स्टिकर्स मिलने वाले हैं। इस स्टिकर को यूज करके आप आपके थंबनेल बना सकते हो, आपके डिजाइन्स बना सकते हो। अगर आप इसे परचेस करते हो तो आपके लिए कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज या ज़्यादा ऑप्शन खोलने वाले हैं, लेकिन बिना परचेस किए भी जो भी एक बेसिक एप्लीकेशन है उसको यूज़ करके भी आप अच्छे डिज़ाइन बना सकते हो। आपको अगर इसके अंदर फोटो वगैरह इंसर्ट करना है तो आपको फ्रॉम गैलरी करेंगे तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा और आप गैलरी में से कोई भी फ़ोटो इस डिज़ाइन के लिए चुन सकते हो। अगर आप शेप्स चुन लेते हो तो इसमें देखिए इतने सारे शेप है, इसका इस्तेमाल करके आप अपना डिज़ाइन बना सकते हो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे माय प्रोजेक्ट दिया है, इसके अंदर आप जो भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके रखोगे वो सारे इसमें सेव हो जाएंगे। और कुछ डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड यहाँ पे दिए गए हैं, इन बैकग्राउंड्स को आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो ए का सिंबल दिया है इसको टच करके आप टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। बैक करते हैं, ये दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, इसे टच करेंगे तो इम्पोर्ट इमेज, ड्रॉ शेप्स, और अगर आप कोई वर्ड लिखते हो उसको सर्कल में अगर आपको टेक्स्ट देना है तो इस ऑप्शन को लेके आप दे सकते हो। बैकग्राउंड रिमूव करना है, उसे ट्रांसपोर्ट करना है तो इसे टच कर सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे जाके आप बैकग्राउंड के कलर ले सकते हो। ये जो सेकंड ट्रांसपेरेंट ऑप्शन है इसे टच करके
पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो और उसे ट्रांसपेरेंट बना सकते हो। चलिए इसे डिफॉल्ट कर देते, इसे बैक करके इसे रेड कलर कर लेते। और जो इमेज साइज़ लिखा है इसे टच करके आप इमेज साइज़ सिलेक्ट कर सकते हो, स्क्वायर में ले सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बना रहे हो तो आपको स्क्वायर में लेना ज़रूरी है। ये देखिए प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक, गूगल प्लस कवर, ट्विटर, ऐसे कुछ इसमें डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिए गए हैं जो हमें सोशल मीडिया पे डिज़ाइन करने के लिए जिस साइज़ की ज़रूरत होती है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिफ़ॉल्ट साइज़ दी गई है। अगर आप यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हो तो यूट्यूब थंबनेल से अच्छा है कि आप यूट्यूब चैनल बैनर सेलेक्ट करके अगर बना लेते हो तो बहुत अच्छी क्वालिटी में बन जाता है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन है क्रॉप का। अगर आप कोई इमेज इसमें ले लेते हो, चलिए आपने अगर इस इमेज को ले लिया है तो क्रॉप का ऑप्शन अभी खुल जाएगा आपके लिए। क्रॉप आप सर्कल में क्रॉप कर सकते हो, 3:2, 9:16, 3:4, ऐसे कुछ भी रिजोल्यूशन में आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इस इमेज को आपको कॉपी करना है तो सिर्फ इस कॉपी को टच कर दिए, इसका एक कॉपी बन जाएगा। अगर आप इसके ऊपर कुछ ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ को टच करिए, कलर सिलेक्ट करिए और सीधा ड्रॉ कर दीजिए। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ सुविचार वगैरह लिखना चाहते हो तो आपको ज़्यादा सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आके कोट्स पे टच करोगे या इतने सारे कोट ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ पे मोटिवेशन, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, इंस्पिरेशन, पॉजिटिविटी, बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर है। आप इंस्पिरेशन को टच करेंगे, ये सारे इंस्पिरेशन के ऊपर इंग्लिश में कोट आ जाएंगे। आप यहाँ पे लैंग्वेज आके फ्रेंच है, इस फ्रेंच और इंग्लिश ये दो ही लैंग्वेज अभी इसके अंदर है। चलिए हम इस कोट को ले लेते हैं, चलिए ये आ जाएगा। इसको ऐसा टच करके यहाँ पे लिख दीजिए। आप यहाँ पे जाके अपना एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लीजिए, एल्बम में जाइए। चलिए एक फ़ोटो ले लेता हूँ मैं। चलिए इस फ़ोटो के साथ में आप एक अच्छा कोट भी लिख सकते हो। ये देखिए एक फ़ोटो आ गया, इसके साथ एक कोट आ गया। इस कोट का जो फॉन्ट है इसे भी आप जाके फॉन्ट्स में जाके चेंज कर सकते हो और अपने सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप बना सकते हो। और दोस्तों ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। आप अगर टेक्स्ट में कुछ एडिट करना चाहते हो तो टेक्स्ट को ए पे टच करिए, टेक्स्ट, और यहाँ पे देखिए ये कॉपी, फॉन्ट, बैक। अगर आपका इमेज के ऊपर देखिए ये है, अगर आपको इसको टेक्स्ट के बैक साइड लाना है तो इसे टच करिए, इस सेंटर को टच करिए और यहाँ पे आके जाके सिंपल बैक कर दीजिए, आपका इमेज बैक साइड में चला जाएगा। फिर ये पोजीशन है, पोजीशन को टच करोगे तो इसे आप लेफ़्ट राइट थोड़ा बहुत अगर मूवमेंट करना है तो इसे टच करके कर सकते हो। रिलेटिव पोजीशन ये बहुत कमाल का है क्योंकि इसे आप टच करिए, ये देखिए लेफ़्ट राइट सेंटर, इस तरह से आप इमेज को घुमा सकते हो, इमेज को मूवमेंट कर सकते हो। रिलेटिव साइज़ ये देखिए, इसको टच करके इसको यूज़ करके आप अपने इमेज को, इमेज का मूवमेंट करा सकते हो। कलर इसे लेके आप इमेज को कलर कर सकते हो। ये देखिए बहुत सारे इमेज आप देखे होंगे नेता लोगों के कि सिर्फ उनके बॉडी का शेप आ जाता है, तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके किया जाता है। टेक्सचर तो इसके पीछे टेक्सचर लगा देना है, मतलब आपको इस फॉन्ट का जो कलर है उसे कोई भी कलर में टेक्सचर दे सकते हो। चलिए इसके सेंटर पे आ जाइए, फॉन्ट पे आ जाइए, टेक्सचर को टच करिए, इमेज पे चलिए और कोई भी इमेज, अभी ये वाटरफॉल का इमेज ले लीजिए। चलिए ये वाटरफॉल है, अच्छा ओके कर दीजिए। ये देखिए आपके नाम के अंदर वो वाटरफॉल आ गया उस इमेज को। इस कर्सर को टच करके आप उस वाटरफॉल को नाम के अंदर घुमा सकते हो। रोटेट इसे टच करके आप इस इमेज को, जो भी आपने फॉन्ट लिखा है उसे थोड़ा बहुत रोटेट कर सकते हो।
ये देखिए, आप अगर किसी कोई टेक्स्ट लिखते हो और उसको आपको थोड़ा सा कर्वेचर शेप देना है तो इसे टच करिए और यहाँ पे कर्व कर दीजिए। इसे डिफॉल्ट 0 पे रख दिया। दोस्तों उसके बाद है स्टाइल। स्टाइल में आके आप इस इमेज को, इस फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इसे अंडरलाइन दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड। अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है और उसको उसके पीछे आपको कुछ बैकग्राउंड चाहिए किसी कलर में, तो इस बैकग्राउंड को टच करिए, इसे इनेबल कर दीजिए। यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लीजिए। बैकग्राउंड कलर चूज़ करने के बाद यहाँ पे दोस्तों कुछ और ऑप्शन आते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड का साइज़ है, इसे भी आप राइट अप डाउन इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सबसे नीचे जो रेडियस ऑप्शन है, इसे चूज़ करके आप इस बैकग्राउंड के कॉर्नर्स को ऐसे कट कर सकते हैं राउंड शेप में। तो बहुत सारे यूट्यूबर इस सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रोक में जाके आप स्ट्रोक ले लीजिए, आपके आपके टेक्स्ट को एक स्ट्रोक मिल जाएगा। और शैडो पे जाके इसे इनेबल कर देंगे तो शैडो आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ से जाके आप शैडो को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जिस भी तरह से आपको डिज़ाइन चाहिए उस तरह से इसे घुमा सकते हो। इस टेक्स्ट को अगर आपको अंदर से शैडो चाहिए तो इसे टच कर दीजिए। ये देखिए, अगर आप इस टेक्स्ट को एम्बॉस डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसे टच कर दीजिए। लेकिन दोस्तों एम्बॉस करके बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन नहीं बनता है, आप एम्बॉस करना थोड़ा सा स्किप ही कर दीजिए। अगर आप इस पर्सपेक्टिव ऑप्शन को यूज़ करके आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा फिल्मी अंदाज में इसे शेप दे सकते हो। देखिए, थ्री डी रोटेट, ये देखिए, ये सब 3D में रोटेट हो जाएगा। ये आप जितना दोस्तों इसके ऊपर दिमाग लगाने वाले हो उतना इससे ज़्यादा क्रिएशन निकाल सकते हो, अच्छा अच्छा इसमें इमेज बना सकते हो। 3D पे टच करेंगे तो ये 3D आ जाएगा, इसका डेप्थ भी इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, 3D शैडो पे टच करोगे तो इस इमेज के पीछे थोड़ा सा शैडो दिखाई देगा। अगर आप रिफ्लेक्शन को चूज करोगे तो इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। अगर आप, ये तो टेक्स्ट का हो गया। आप अगर इमेज को एडिट करना चाहते हो तो इमेज को टच करिए, ये जो बीच का सेंटर का ऑप्शन है इसे टच कर दीजिए, इसमें जाके आप क्रॉप कर सकते हो। चलिए इतना ही इमेज मुझे चाहिए तो इतना भी ले सकते हो आप। देखिए, ये देखिए, इसे बैक फ्रंट इसका कॉपी वगैरह सारे ऑप्शन उसके जैसे ही है सेम। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सिर्फ पिक्सल लैब इस एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन देखा है। अगले वीडियो में मैं इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके एक अच्छा डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो दिखाने वाला हूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।